चलिए, तो सभी लोगों आप लिंक शेयर कर दीजिए और आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पिछले टॉपिक में हमने पीएन जंक्शन की बायसिंग यानी कि डायोड की बायसिंग के बारे में पढ़ लिया था। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग दो प्रकार की बायसिंग होती है, जिनके बारे में हम लोग पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग जानते हैं कि डायोड की कैरेक्टरिस्टिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक या उसका अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिख देते हैं। हमारा टॉपिक है डायोड की अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है, जिसको इंग्लिश में अपन लोग बोलते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। ठीक है, तो ये दोनों शब्द आप लोग याद रखें, क्योंकि कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक के शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग टेक्निकल जो टर्म्स होती हैं जैसे डायोड, ट्रांसफार्मर इत्यादि, इनके बारे में याद रखें, क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का साइमल्टेनियसली यूज़ होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर कि ये एक प्रकार का वक्र होता है, मतलब एक ग्राफ होता है। ठीक है, तो एक ग्राफ है जिसको हम लोग बनाएंगे ताकि हम डायोड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। कि जैसे यदि मान लीजिए आपको डायोड को यूज़ करना है किसी सर्किट में, तो आपको पता हो कि कितने वोल्टेज पर डायोड जो है वह किस तरह से कार्य करेगा, उसमें से कोई करंट फ्लो होगी भी या नहीं। तो ये सब जानकारी आपको करने के लिए हमें यहाँ पर एक वक्र बनाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डायोड है वह एक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट है। ना, और एक्टिव कंपोनेंट के बारे में मैंने बताया था कि इनकी जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक होती है वह लीनियर नहीं होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप इसमें वोल्टेज का मान बढ़ाते जाएं और उसी अनुपात में करंट का मान भी बढ़ते जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर डायोड को यदि यूज़ करना है तो उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हमें कि इसका जो ग्राफ है वह किस तरह से बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में इसका ग्राफ किस तरह से बनता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो डायोड की वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो है वह कुल मिलाकर के एक प्रकार का ग्राफ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक ग्राफ खींचें, है ना, हम लोग केवल एक क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, हम लोग एक ग्राफ खींच रहे हैं। जो डायोड में दो वोल्टेज लगाते हैं हम लोग, उस वोल्टेज का, है ना, हम एक एक्सिस पे वोल्टेज लेंगे और वाई एक्सिस पे इससे प्रभावित होने वाली करंट को मेज़र करेंगे। ठीक है, और उस कंडीशन में देखेंगे कि इन दोनों में किस प्रकार का ग्राफ बन रहा है। कुल मिलाकर के हम एक ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर वोल्टेज ही लेते हैं और यहाँ पर वाई एक्सिस पर करेंट लेते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जहाँ यहाँ पर आप ध्यान रखें कि पहले हम लोग जब इसमें बोलते हैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक, है ना, तो यहाँ होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। तो जब भी इस तरह से अगर उच्चारण किया जाए, जैसे वी आई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होगा कि एक्स क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब वोल्टेज क्या है, वेरिएबल है ना। वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे और इस वोल्टेज के साथ जो है दूसरा वेरिएबल जो है इसका फंक्शन क्या है, करेंट जो है इसका फंक्शन है। मतलब कि जब किसी एक राशि के साथ दूसरी राशि बढ़ती है तो उसे क्या बोलते हैं, पहली राशि का फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे करेंट जो है वो किसका जो वोल्टेज है वो किसका फंक्शन है, करेंट का। ठीक है, मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करेंट अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को देखना है।
तो चलिए हम लोग, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। जैसे डायोड में, डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में हम डायोड में, ये डायोड का सिंबल है, ठीक है, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। तो जब डायोड में हम लोग फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं डायोड को, तो डायोड को क्या करते हैं हम लोग, पी साइड जो होती है, पॉजिटिव साइड जो होती है, इसको बैटरी की प्लस साइड से, और जो एन साइड होती है इसको क्या करते हैं, बैटरी के नेगेटिव साइड से जोड़ते हैं, है ना। तो इस कंडीशन में, इस डायोड में से क्या होता है, स्टार्टिंग में ये फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, हम इसमें से करेंट प्रवाहित कर सकते हैं, करेंट का इसमें फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ये कंडीशन कहलाती है फॉरवर्ड बायस, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए फॉरवर्ड बायसिंग में यहाँ हम लोगों ने क्या किया, जब कैरेक्टरिस्टिक बनाना होती है तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बैटरी सोर्स लगाते हैं, वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये बैटरी जो है ये वेरिएबल है, वेरिएबल से क्या होगा कि इसके अक्रॉस हम वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो वोल्टेज है ना, इस वोल्टेज को हमें धीरे धीरे बढ़ा करके देखना है। हम यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो चलिए जैसे हमने यहाँ वोल्टेज मान लीजिए बढ़ा दिया, और इनिशियली ये जो वोल्टेज है, इनिशियली हमने वोल्टेज रखा, मान लीजिए हम सिलिकॉन डायोड के लिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं, सिलिकॉन, सिलिकॉन डायोड के लिए हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक बना करके आपको बताएंगे। तो जैसे सिलिकॉन डायोड के लिए हम ये कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं, है ना, यहाँ लिख देते हैं, ये है सिलिकॉन डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक। देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम, जैसा कि मैंने बताया कि जो डिवाइसेस होती हैं वह इन मटेरियलों के आधार पर भी डिपेंड करती है, कि अगर सिलिकॉन अर्धचालक का उपयोग करके आपने डिवाइस बनाई है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक आकार सेम होगा, लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वह थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है, आकार लगभग सेम होगा। तो समझने के लिए हम चाहे सिलिकॉन लें चाहे जर्मेनियम, कोई सी भी ले सकते हैं, बस अंतर इतना ही आता है कि जो वैल्यूज़ आती हैं ग्राफ की वो अलग आती हैं। तो ये जो मैं अर्धचालक ये कैरेक्टरिस्टिक बना रहा हूँ, ये सिलिकॉन अर्धचालक की VI कैरेक्टरिस्टिक बना करके बता रहा हूँ, अर्धचालक, ठीक है। तो चलिए इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बना करके देखते हैं। तो मान लीजिए हमने इनिशियली ये जो करेंट वोल्टेज है, इस वोल्टेज का मान हमने इसे बढ़ाना स्टार्ट किया, और इसे बढ़ा करके हम लोग यहाँ मान लीजिए इसे ले आते हैं और इसका मान कर देते हैं 0.1 वोल्ट, है ना। आपको पता है ये सब वोल्टेज में है V, है ना, तो इसका मान हम लोग कर देते हैं 0.1 वोल्ट। चलिए बाकी की सारी चीज़ें जो है यहाँ से मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आए। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 0.1 वोल्टेज कर दिया, तो 0.1 वोल्टेज जब हम लोग कर देंगे तो मान लीजिए इसके एक्रॉस जो करेंट है ना, इसके एक्रॉस जो डायोड है, चूँकि फॉरवर्ड बायस है, चलिए डायोड का तो यहाँ चित्र बनाना ही पड़ेगा ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। तो जैसे डायोड तो हमारा चूँकि फॉरवर्ड बायस है ना, तो फॉरवर्ड बायस होने के कारण क्या होगा, इनिशियली इसमें एक बहुत स्मॉल करेंट जो है वह बहुत स्मॉल करेंट इसमें फ्लो होना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इस डायोड में क्या होता है, इनिशियली चूंकि ये फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस होने के कारण इसमें से एक बहुत ही स्मॉल करेंट जो है वह फ्लो होना स्टार्ट होती है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल करेंट। ये देखिए आप, इसका जो मान है वह काफ़ी कम है, इसलिए इसमें मैं छोटे तीर से दर्शा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही स्मॉल करेंट यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होती है, मान लीजिए कुछ कुछ एम्पियर्स में है, यहाँ पर हम एम्पियर्स में दर्शाते हैं, तो बहुत कम एक स्मॉल छोटी सी करेंट जो है यहाँ से स्टार्ट होती है फ्लो होना, यहाँ से बहुत ही स्मॉल करेंट जो है वह फ्लो होना स्टार्ट हुई। उसके बाद देखिए हम इसकी वैल्यू और अधिक बढ़ाते हैं, मान लीजिए इसकी वैल्यू हमने कर दी यहाँ पर 0.2 वोल्ट, ठीक है। 0.2 वोल्ट के लिए जो करेंट की वैल्यू जो है वो बिल्कुल लगभग बढ़ ही नहीं रही है, मान लीजिए यहीं पर है, ठीक है। क्यों नहीं बढ़ रही है,
देखिए स्टार्टिंग में जैसा मैंने बताया आपको कि चूंकि फॉरवर्ड बायस होता है तो फॉरवर्ड बायस में तो करंट जो है इसमें फ्लो होना चाहिए, लेकिन अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपसे कि जो फॉरवर्ड बायस में भी इनिशियली जो वोल्टेज जो है कम है तो वो करंट जो है फ्लो नहीं हो रही है। तो उसका कारण देखिए क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि इस डायोड के अक्रॉस एक बैरियर पोटेंशियल है, और इस बैरियर पोटेंशियल का सिलिकॉन में मान कितना होता है, 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो ये बैरियर पोटेंशियल क्या करता है कि जब तक इस डायोड के अक्रॉस आप 0.7 वोल्टेज नहीं लगा दोगे, इस डायोड के अक्रॉस जब तक हम 0.7 वोल्टेज नहीं लगा देंगे, जब तक इसमें से बहुत कम करंट फ्लो होती है। और वो करंट किस कारण से फ्लो होती है, वह करंट फ्लो होती है कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण या इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसमें जो करंट फ्लो होती है वह बहुत स्मॉल करंट होती है, जिसे हम लीकेज करंट बोलते हैं। ठीक है, चाहे डायोड रिवर्स कंडीशन में हो, रिवर्स बायस किया हो, चाहे फॉरवर्ड बायस किया हो, दोनों ही कंडीशन में डायोड में से लीकेज करंट तो फ्लो होती है, जिसका मान बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम लोग इसमें करंट फ्लो होगी, अभी भी करंट जो है वो काफ़ी लो करंट है ना, तो ये कर्व जो है हमारा इस तरह से आएगा अभी। फिर इसके बाद मान लीजिए हमने करंट का मान और अधिक बढ़ाया, वोल्टेज का मान हमने और अधिक बढ़ाया, और यहाँ पर वोल्टेज को कर दिया हमने 0.3 वोल्ट। तो 0.3 वोल्ट में भी देखिए क्या हो रहा है कि अभी 0.7 जब तक आप नहीं कर देंगे यहाँ पर, तब तक तो ये करंट का मान बढ़ना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बैरियर पोटेंशियल लगा हुआ है, तो जब तक इसको पूरा आप कैंसिल नहीं करोगे, जब तक ये पूरा 0.7 वोल्टेज यहाँ से कैंसिल नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ पर जो फॉरवर्ड करंट है वो फ्लो नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होता है। अब मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर 0.7 वोल्टेज लगा देते हैं, ठीक है, 0.7 वोल्टेज आप जैसे ही लगाएंगे तो क्या होगा, करंट का थोड़ा सा यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होता है, थोड़ा सा राइज करना जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट कहाँ मिल गया हमें, यहाँ 0.7 के सामने कितनी करंट हो रही है, मान लीजिए ये कुछ करंट का वैल्यू है, इसे हम लिख देते हैं, ये समझने के लिए लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 1 मिली एम्पियर, यहाँ पर करंट की जो वैल्यूज़ हैं वो मिली एम्पियर में हैं। ठीक है, करंट की वैल्यूज़ जो हैं मिली एम्पियर में हैं। तो अब यहाँ से क्या होता है, इस पॉइंट से, एक मिनट इस कर्व को थोड़ा सा सुधार लें, ये जो कर्व है थोड़ा सा इसे एडिट कर लेते हैं, है ना, तो ये यहाँ तक मान लीजिए ये 1 एम्पियर जो है ये यहाँ तक। ठीक है, तो ये कर्व जो देखे आप लोग बहुत फ्लैट आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत स्मॉल करेंट जो है वो फ्लो हो रही है। लेकिन अब जैसे ही 0.7 वोल्टेज आया, अब 0.7 के बाद यदि आप थोड़ा सा भी वोल्टेज लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ कर दिया 1 वोल्टेज कर दिया, तो 1 वोल्टेज के साथ में क्या होगा, करेंट जो है एकदम से यहाँ पर बढ़ना चालू हो जाती है, करेंट भी इसके सापेक्ष जो है मान लीजिए यहाँ पर 2 एम्पियर हो जाएगी, 2 मिली एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जैसे वोल्टेज आपने फिर बढ़ा करके कर दिया 2 वोल्ट कर दिया, तो करंट जो है यहाँ पर वो उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, यहाँ पर 4 मिली एम्पियर हो जाएगा, है ना, तो ये 2 वोल्ट के सामने यहाँ पर ये, तो देखिए अब यहाँ से जो कर्व है, यहाँ से कर्व एकदम लीनियर हो जाएगा, जैसा रेक्टिफायर का कर्व होता है, जैसा रेजिस्टेंस का कर्व होता है, सेम रेजिस्टेंस के थ्रू जैसे यहाँ पे आपको अब कर्व मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डायोड जो होता है इनिशियली इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, इनिशियली इसमें बहुत स्मॉल करंट फ्लो होता है ना, वोल्टेज के सापेक्ष बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होता है, क्यों, ये जो लीकेज करंट है ये फ्लो होता है इसमें, है ना। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही हम इसमें ब्रेक, ये 0.7 वोल्टेज आता है, 0.7 वोल्टेज यहाँ पर सिलिकॉन के लिए, जैसे ही हम 0.7 वोल्टेज इसमें लगा देते हैं, तो इस डायोड के एक्रॉस क्या होगा जो है करंट, वो है वोल्टेज के एकदम समानुपाती हो जाती है, हम कह सकते हैं कि करंट जो है वह काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ्लो होने लगती है, या फॉरवर्ड करंट जो है वह फ्लो होने लगती है। तो देखिए अब करंट जो है, जैसे ही ये 0.7 वोल्टेज मिलेगा, तो इसमें से डायोड में से करेंट की वैल्यू क्या होगी, ये बढ़ जाएगी, और करंट की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ये क्या होगा, वोल्टेज के समानुपाती हो जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में, फॉरवर्ड कंडीशन में, जब ये नी, इसको ये जो वोल्टेज आप देख रहे हैं 0.7 वोल्टेज, इसे हम बोलते हैं नी वोल्टेज। ठीक है,
के एन डबल ई नी वोल्टेज। इसे नी वोल्टेज क्यों कहा जाता है? वोल्टेज, देखिए इसे नी वोल्टेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए आप ये टखने के समान दिख रहा है आपको यहाँ से, जैसे हमारा पाँव का घुटन नहीं मुड़ा होता है, वो घुटने पे से जो पाँव मुड़ सकता है, तो इसी तरह से यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एकदम से मुड़ जाती है, तो इसीलिए ये आकृति एक घुटने की तरह दिखती है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नी, के एन डबल ई नी, नी वोल्टेज। ठीक है, तो नी वोल्टेज का मान जो है वह सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, है ना, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.1 वोल्ट, 0.1 से लेकर के 0.3 वोल्ट तक इसमें होता है। ठीक है, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जर्मेनियम डायोड के लिए यहीं से बढ़ना चालू हो जाएगी, यहीं से लीनियर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब फॉरवर्ड कंडीशन में जो डायोड है, फॉरवर्ड कंडीशन में ये डायोड क्या करेगा, ये एक शॉर्ट की तरह हो जाएगा, है ना, एक शॉर्ट, ये रेजिस्टेंस की तरह हो जाएगा, है ना। अब तो यहाँ से हम जो है डायोड को रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि अब ये फॉरवर्ड कंडीशन में आ गया है। और फॉरवर्ड कंडीशन में समझने के लिए आप देखें कि फॉरवर्ड कंडीशन में ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो डायोड होता है फॉरवर्ड कंडीशन में, ये केवल रेजिस्टेंस की तरह है। क्यों रेजिस्टेंस की तरह है? क्योंकि आप यहाँ से अगर कर्व को देखेंगे तो यहाँ से ये कर्व जो है पूरा रेजिस्टेंस की तरह आपको दिखेगा, एक लीनियर ग्राफ दिखेगा, है ना। और उसके पहले कट इन वोल्टेज के, जो नी वोल्टेज था, नी वोल्टेज के पहले ग्राफ जो था वो, उसमें करेंट और वोल्टेज जो है वह जो है समानुपाती नहीं थे, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि फॉरवर्ड कंडीशन में जब हम ये नी वोल्टेज के बराबर वोल्टेज लगा देते हैं तो फॉरवर्ड कंडीशन में इस डायोड में से जो है पर्याप्त मात्रा में करंट फ्लो होने लगता है और वह करंट जो है वह वोल्टेज के समानुपाती हो जाता है। ठीक है, करंट जो है वो डायरेक्टली वोल्टेज के प्रोपोर्शनल हो जाता है, जितना आप वोल्टेज लगाएंगे उसी तरह से जो है उसके सापेक्ष आपको करंट भी मिलेगा। ठीक है, तो यह फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने वोल्टेज भी पॉजिटिव लगाया, ये आपको पता है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव वोल्टेज लगाया था पी साइड पे, है ना, और इसमें जो करेंट थी वो पॉजिटिव करेंट बह रही थी, मान यानी कि पी से एन की ओर बह रही थी। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इस ग्राफ को सही करें, चलिए इसे हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो डायोड है, देखिए अब हम डायोड को जो है रिवर्स वायस में जोड़ देते हैं। ठीक है, डायोड को हम लोग रिवर्स वायस में देख जोड़ते हैं, वो देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस तरह से बनती है। डायोड को रिवर्स वायस में जोड़ने का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा डायोड है ना, तो इस डायोड के क्रॉस हम क्या करेंगे, ये डायोड बनाया, और इस डायोड के क्रॉस हम क्या करेंगे, नेगेटिव प्लेट जो है बैटरी की, उसको उसको डायोड के पी साइड से जोड़ देंगे, और जो पॉजिटिव प्लेट है उसको एन साइड से जोड़ देंगे। ठीक है, उसको हम यहाँ पर एन साइड से जोड़ देंगे। तो इस कंडीशन को आप लोग जानते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायस। या हम यहाँ पर इसे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि यदि हम जो जो डायोड है, अब डायोड पर हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वोल्टेजेस लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग नेगेटिव वोल्टेज जो है वो इस डायोड के अक्रॉस अप्लाई करेंगे। तो जब नेगेटिव वोल्टेज हम लोग लगाएंगे तब उस कंडीशन में देखते हैं कि इस डायोड की जो करंट है, करंट में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए सीधे 5 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये इतने कम वोल्टेज पे तो इसमें कोई करंट फ्लो होती ही नहीं है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ 5 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट, फिर उसके बाद 25 वोल्ट, और आखिरी में यहाँ पर 30 वोल्ट।
है ना, और ये सारी वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव में, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी के पी साइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कंडीशन में हम लोग जो है अब देखते हैं यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या परिवर्तन आता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए जो बैटरी का वोल्टेज है उसको धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पहले बैटरी का वोल्टेज हमने कितना रखा, -5 वोल्ट रखा। तो 5 वोल्ट रखने पर हम देखेंगे कि जो ये जो पीएन जंक्शन है, इस पीएन जंक्शन में मैंने आपको बताया था कि रिवर्स कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ये रिवर्स बायसिंग जो दिख रही है आपको, इस रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, है ना। तो मान लीजिए हमने इसका वोल्टेज जो स्टार्टिंग में ये 5 वोल्ट कर दिया, तो 5 वोल्टेज में क्या होगा, इसमें इसमें बहुत ही स्मॉल करेंट है ना, एकदम नगण्य करेंट जो है वह रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगी, जिसका मान जो है माइक्रो एम्पियर में रहेगा। तो मान लीजिए इसका स्टार्टिंग में मान जो है वह 100 माइक्रो एम्पियर होता है, ठीक है। तो 5 वोल्टेज पे हमें करंट का मान कितना मिला, 5 माइक्रो एम्पियर। फिर इसका मान आप बढ़ा दीजिए, बैटरी का मान मान लीजिए आपने बढ़ा करके -10 वोल्ट कर दिया, तो -10 वोल्ट पे भी आप देखोगे कि करंट में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, करंट जो है वह लगभग सेम जो है 100 माइक्रो एम्पियर फ्लो होती रहेगी, ठीक है। फिर मान लो 25 वोल्ट कर दिया, तो 25 वोल्ट में भी क्या होगा, 25 वोल्ट में थोड़ा सा और मान लीजिए करंट बढ़ गई, लेकिन कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंटली नहीं इसमें बढ़ोतरी होगी, है ना। लेकिन देखिए जैसे जैसे ये रिवर्स हम यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, है ना, तो डायोड में आपको पता है, ये डायोड है, अब इसमें आपको पता है कि यदि मान लीजिए हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो रीजन है, जो बैरियर रीजन है, यहाँ डिप्लेशन रीजन है ना, ये पी साइड और एन साइड, वो बीच में कौन सा रीजन बनता है, डिप्लेशन रीजन। तो ये डिप्लेशन रीजन क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा, और जब डिप्लेशन रीजन बढ़ेगा, है ना, ठीक है, तो ये डिप्लेशन रीजन क्या होता है, ये लगातार बढ़ता चला जाता है ना। और देखिए एक कंडीशन क्या आएगी, ये जो डिप्लेशन रीजन है यहाँ बना देते हैं, चलिए ये मान लीजिए पी साइड, ये एक डायोड हुआ है हमारा, और इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डिप्लेशन रीजन जो है बढ़ता चला जा रहा है ना, क्योंकि क्या हो रहा है, होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह दोनों तरफ क्रिया करते जा रहे हैं और यहाँ पर आयन बनते जा रहे हैं, तो डिप्लेशन रीजन की लंबाई जो है वो बढ़ते जा रही है ना। अब देखिए एक कंडीशन क्या होगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब आप इसमें वोल्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, नेगेटिव वोल्टेज मान लीजिए -30 वोल्ट कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि जो माइनॉरिटी कैरियर से, जैसे पी साइड पे माइनॉरिटी कैरियर कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इतनी ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेगा, मतलब इसमें इतना ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा कि ये चलते चलते जो आयन से हैं यहाँ पर इन आयन से टकराएगा, और टकरा करके क्या करेगा, यहाँ से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मुक्त करेगा, और जब और इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होंगे तो यहाँ पर एक एकदम से क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपस में टकराहट होगी इन इलेक्ट्रॉन्स में, और इसके कारण क्या होगा, बहुत ज़्यादा इसमें ये डिवाइस जो है इसमें गर्मी उत्पन्न होगी, है ना, और गर्मी उत्पन्न होने से फिर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, और अंत में क्या होगा कि ये जो डायोड है इस डायोड में से एकदम से बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो हो जाएगा, है ना, एकदम से जो है करंट इसमें बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट से जुड़ा है, तो जो जितने भी यहाँ पर नेगेटिव जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो एकदम से प्रतिकर्षित होंगे, और एकदम से प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण वो काफ़ी ज़्यादा गति से जो है वह अन्य परमाणुओं से के इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे, और उनको क्या करेंगे, पर इतनी एनर्जी दे देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में चले गए तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की तरह इस डिवाइस में करेंट का फ्लो स्थापित कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है -30 वोल्ट, जब -30 वोल्ट लगा देते हैं तो इस डिवाइस में क्या होता है, करंट की वैल्यू जो है वह एकदम से बढ़ जाती है। फिर आप इसमें अगर और अधिक वोल्टेज भी बढ़ाते जाएं, अब यदि हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते भी जाएं, मान लीजिए आप 50 वोल्ट कर दीजिए या 100 वोल्टेज कर दीजिए, तो भी ये करेंट का मान कितना है, ये करेंट का मान जो है परिवर्तित नहीं रहेगा, और ये जो वोल्टेज है इस डिवाइस के क्रॉस, है ना, इसमें करेंट क्या होगी, एकदम सडनली बढ़ जाएगी, वो सडनली बढ़ करके ये वापस वोल्टेज को क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी। इसीलिए आप ग्राफ में देखेंगे कि एक निश्चित सीमा दी हुई है और उसके बाद ग्राफ को इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया है। क्यों, क्योंकि डिवाइस के अक्रॉस आप बैटरी का वोल्टेज तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो जंक्शन है इस जंक्शन का वोल्टेज अब बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप -30 से -40 वोल्ट करने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि जो करेंट है
वो करंट उसी सापेक्ष में जो है यहाँ से एकदम से फ्लो हो बढ़ेगी, है ना। करंट का मान तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो क्या होगा, इस कारण से यहाँ वोल्टेज जो है ये बढ़ नहीं पाता, है ना। तो इस तरह से जो ये जो डायोड होता है रिवर्स बायस, इसको हम जीनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या वोल्टेज रेगुलेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, वह डिवाइस जिसके अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट रहता है ना। तो ये जो पीएन जंक्शन है, यदि हम इसे जब रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं, तो ये किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। क्योंकि अब यहाँ अगर मान लो वोल्टेज बदल भी रहा है, या मान लीजिए ये बैटरी जो है इसका वोल्टेज बदल भी जाता है किसी कारण से, तो एक लिमिट के अंदर, एक सीमा के अंदर ये जो डायोड है क्या करेगा, इसके एक्रॉस जो भी वोल्टेज है -30 वोल्ट जो है, तो इसको क्या करेगा, कॉन्स्टेंट बना करके रख सकता है ना, ठीक है। तो इस तरह का, तो ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक है जो नेगेटिव बायस में, आपको समझ में आया कि इनिशियली जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, इनिशियली जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही। क्यों नहीं फ्लो हो रही, क्योंकि हमको पता है कि रिवर्स बायस में तो जो डायोड है रिवर्स बायस में, उसमें से कोई करंट फ्लो ही नहीं होती है ना। केवल एक स्मॉल करंट फ्लो होती है, और वो किस कारण से होती है, जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण होती है ना। लेकिन क्या होता है कि जब हम वोल्टेज को एक निश्चित सीमा से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो उसके बाद जो यहाँ का डिप्लेशन रीजन होता है, ये डिप्लेशन रीजन जो है वह रप्चर हो जाता है, वह टूट जाता है ना। और ये डिप्लेशन रीजन जब टूटता है, तो इस डिप्लेशन रीजन के टूटने के कारण क्या होता है, इसमें से सडनली बहुत तेज़ करंट फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो इस जनरली क्या होता है कि ये जो वोल्टेज है, जिसे हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिए आप, ये जो यहाँ पर आप वोल्टेज देख रहे हैं, जब रिवर्स डायरेक्शन में है ना, रिवर्स डायरेक्शन में वह अधिकतम वोल्टेज जिसको लगाने के बाद करंट का मान सडनली बढ़ जाता है या मैक्सिमम हो जाता है ना, तो वह वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो आप जनरली ध्यान रखिए कि जो डायोड्स हैं, जनरली उन्हें यूज़ करते समय ध्यान रखा जाता है कि उन्हें कभी भी इतना रिवर्स वोल्टेज नहीं मिले कि वह ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि यदि ब्रेक डाउन वोल्टेज के बराबर यदि वोल्टेज पहुंच गया, तो साधारणतः क्या होता है कि ये जो डायोड है ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये शॉर्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए जनरली जब भी हम लोग ध्यान जब भी हम लोग डायोड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग इसका ये जो वोल्टेज है इसको ज़रूर में ध्यान रखते हैं, है ना, ठीक है। तो इसे आप लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वह अधिकतम, मतलब ये जो है वह वोल्टेज है ना, जिस पर कि जो डायोड है वह उस बीच का उसका जंक्शन जो है वह ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई होगी। तो यहाँ पे मैं रिकैप कर देता हूँ, देखिए कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है, केवल इसका कर्व है, किसके बीच का कर्व है, जो डायोड में करेंट वोल्टेज के सापेक्ष करंट किस तरह से बढ़ती है, इसको हम लोग कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो इस कर्व को हम लोग क्या नाम देते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक नाम देते हैं। यहाँ पर नी वोल्टेज आपको समझ में आया कि नी वोल्टेज क्या होता है, कि ये वह करेंट वह वोल्टेज का मान है जिसके बाद जो डायोड है वह एक रेजिस्टेंस की भांति कार्य करने लगता है, और इस डायोड में से वोल्टेज जो है वह करेंट जो है वह वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो इस ये जो है वोल्टेज क्या कहलाता है, नी वोल्टेज। वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें, तो ये वाला जो वोल्टेज है जिस पर कि डायोड का जो पीएन जंक्शन है वह ब्रेक हो जाता है, और डायोड में से बहुत हेवी करंट फ्लो होने लगती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। तो ये दो पॉइंट जो हैं आपको VI कैरेक्टरिस्टिक में विशेष तौर पे याद रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग अब यहाँ पर चलिए अब डायोड के बारे में बता देता हूँ आपको कि जो डायोड है, मान लीजिए आप डायोड से कोई सर्किट बना रहे हैं, जैसे रेक्टिफायर यदि हमें बनाना है ना। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर AC को DC में बदलता है ना। तो मान लीजिए आपको कोई रेक्टिफायर बनाना है ना। तो रेक्टिफायर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि रेक्टिफायर
के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि कितने वोल्टेज का यदि आप रेक्टिफायर बनाना चाहते हैं, कितने वोल्ट की डीसी को एसी, मतलब एसी को डीसी में बदल रहे हैं, तो कितने वो जो डायोड है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप लोग देखेंगे खरीदते समय, है ना। तो ये जो बातें होती हैं जो किसी डिवाइस को खरीदते समय हम ध्यान रखते हैं, या किसी विशेष पर्टिकुलर डिवाइस के लिए वो राशियाँ निश्चित होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस डायोड की, उस विशेष डिवाइस की विशिष्टियाँ या स्पेसिफिकेशन। उदाहरण के तौर पर जैसे यदि आप बल्ब लेने जाते हैं, है ना, तो यदि आप बल्ब लेने जाएंगे, जो लैंप यदि आप खरीदने जाएंगे, है ना, तो आप लैंप यदि आपको जैसे मान लीजिए बड़े हाल में लगाना है ना, बड़े हॉल में यदि आपको जो है लैंप लगाना है ना, तो आप क्या करेंगे, 100 वाट का लैंप लेंगे। और यदि मान लीजिए आपको 0 बल्ब खरीदना है, तो 0 बल्ब कितने के होते हैं, जनरली 5 वाट के आसपास, है ना। तो क्या होता है, आप आपकी आवश्यकता के अनुसार बल्ब की रेटिंग देखते हैं, कितने वाटेज का आपको बल्ब खरीदना है। उसी तरह से आपको यदि कोई सर्किट बनाना है तो डायोड की भी तो कुछ बातें होंगी जो आपको देखना होती होंगी, है ना। तो वही राशियाँ जो किसी डायोड, पर्टिकुलर डायोड के लिए निश्चित होती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायोड की स्पेसिफिकेशंस या विशिष्टियाँ। ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। तो ये होती डायोड की विशिष्टियाँ, विशिष्टियाँ, ठीक है, ये होती है डायोड की विशिष्टियाँ, या इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं, डायोड की स्पेसिफिकेशंस, स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशंस जो हैं, यह आपको मदद करती है कि आप जो है अच्छी तरह से समझ सकें कि ये जो डायोड है आपके पर्टिकुलर एप्लीकेशन में यूज़ किया जा सकता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, जैसे यदि मान लीजिए आपको यदि डायोड को आप यदि रेक्टिफायर बना रहे हैं, तो रेक्टिफायर में हमने पढ़ा था कि हम कौन से डायोड यूज़ करते हैं, सिलिकॉन, है ना। तो जो मटेरियल होगा, तो मटेरियल भी एक तरह से इस डायोड की एक विशिष्टि हो गई, है ना। मतलब ये निर्धारित है कि भाई आप जो है अगर सिलिकॉन जो डायोड है उसको रेक्टिफायर में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कट इन वोल्टेज जो है, इसका नी वोल्टेज कितना होता है, 0.7 वोल्टेज के आसपास, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये जो सिलिकॉन है या पदार्थ है किसी डायोड का, वो क्या कहलाता है, उसका उसकी एक स्पेसिफिकेशन होता है कि पर्टिकुलर डायोड से, एक स्पेसिफिक डायोड के लिए निश्चित है। एक बार डायोड बना दिया आपने, तो आप बार बार आप उसका मटेरियल चेंज नहीं कर सकते, है ना, वह उसके लिए स्थिर राशि हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से यदि कोई जर्मेनियम का डायोड है, तो जर्मेनियम मटेरियल जो है उस विशेष पर्टिकुलर डायोड के लिए उसकी स्पेसिफिकेशन है, उसकी विशिष्टि है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हमने ये कोई डायोड मार्केट से ख़रीद के लाए, अब ये जर्मेनियम का डायोड था, है ना, तो अगर मान लीजिए जर्मेनियम का डायोड है तो इसका मटेरियल निश्चित है। अब आप जब सर्किट में से लगाएंगे तो इसका जो है मटेरियल तो बदल नहीं सकते ना, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये स्पेसिफिकेशंस कहलाती हैं। तो पहली स्पेसिफिकेशन क्या होगी, पहली स्पेसिफिकेशंस होती है पदार्थ, है ना, कि जो आपका जो डायोड है वह किस पदार्थ का बना हुआ है, वह जर्मेनियम का बना हुआ है या सिलिकॉन का बना हुआ है, तो यह उसकी स्पेसिफिकेशन कहलाएगी, ठीक है। तो पहली स्पेसिफिकेशन आप याद रखें, डायोड की पहली स्पेसिफिकेशन होती है उसका पदार्थ। तो जब भी आप किसी डायोड को यूज़ करने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले देखें कि उसका मटेरियल कौन सा है, वह सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का, ठीक है। और ये सारी जानकारी हमको उपलब्ध होती है डाटा शीट पे, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग डाटा शीट, है ना। डाटा शीट में ये सारी जानकारियाँ आपको उपलब्ध होती हैं। इसी लेक्चर में मैं आपको बीच में भी दिखाऊंगा डाटा शीट किस तरह से होती है, उसमें क्या क्या जानकारियाँ होती हैं और किस तरह से डाटा शीट को पढ़ा जाता है, यह बातें भी मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊँगा, तो आप ध्यान से जो है देखते रहें, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इसे क्लियर कर लेते हैं। अब इसके बाद देखें हम लोग कि जो सेकंड हमारी स्पेसिफिकेशन है, सेकंड स्पेसिफिकेशन होता है अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, अधिकतम सुरक्षित
रिवर्स वोल्टेज, तो देखिए ये अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज क्या होता है कि जैसा हमने अभी बताया कि जो डायोड है ना, डायोड के अक्रॉस यदि रिवर्स वोल्टेज आता है ना, यहाँ पर यदि नेगेटिव वोल्टेज आता है, जैसे ये डायोड है, मान लीजिए आप इसे रेक्टिफायर में यूज़ कर रहे हैं, है ना, इसे जब हम रेक्टिफायर में यूज़ कर रहे हैं तो इसके अक्रॉस क्या होगा, ये डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, अगर मान लीजिए रेक्टिफायर के रूप में इसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसमें एक जो एसी होती है, रेक्टिफायर का यूज़ एसी पर यूज़ करते हैं, एसी को डीसी में, है ना, तो इस रेक्टिफायर के अक्रॉस क्या होगा, यहाँ पर एसी भी लगेगी, तो एसी में पॉजिटिव साइकिल भी होता है और नेगेटिव साइकिल भी होता है ना। तो देखिए क्या होगा कि ये जो डायोड है ना, इस डायोड के अक्रॉस हमने देखा कि यदि हम लोग इसे रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं, है ना, यदि रिवर्स बायस में यदि यूज़ करते हैं, इसके अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज लगाते हैं, तो ये डायोड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है ना। तो रिवर्स वोल्टेज का मतलब क्या होता है, वह अधिकतम वोल्टेज या वह अधिकतम रिवर्स वोल्टेज जिसे कोई डायोड सुरक्षित रूप से कार्य कर सकता है या सहन कर सकता है ना। फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वह अधिकतम रिवर्स वोल्टेज या पीक रिवर्स वोल्टेज, वह अधिकतम रिवर्स वोल्टेज जिसे कोई डायोड सुरक्षित रूप से वहन कर सकता है या जिस पर डायोड खराब नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज, ठीक है। और इसे आप लोग देखिए, जनरली हम लोग इसे जब आप डाटा शीट वगैरह पढ़ेंगे तो डाटा शीट में इसे PIV के नाम से दर्शाया जाता है। PIV क्यों बोलते हैं इसे, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है, या अधिक शिखर उत्क्रम वोल्टेज। तो इनके देखिए विभिन्न प्रकार के नाम हैं, तो अब नामों से केवल कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको इसके विभिन्न जो टर्म्स हैं, परिभाषाएं जो हैं, वह इसको हमने लिख करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब ये परिभाषा हो गई, इसका मतलब आप समझ चुके हैं कि जो अधिकतम रिवर्स वोल्टेज ये डायोड वहन कर पाएगा, उसी को हम इसका PIV बोलते हैं। और ये PIV भी आपको कहाँ मिलेगा, PIV की वैल्यू भी आपको पर्टिकुलर डाटा के लिए, पर्टिकुलर डायोड के लिए निश्चित होती है, और ये आपको डाटा शीट में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अभी बताऊँगा मैं आपको, आगे देखते जाइए आप लोग। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अधिकतम औसत फॉरवर्ड धारा, ठीक है, ये क्या होता है इसे समझ लेते हैं। देखिए ये तो काफ़ी आसान टर्म्स हैं वैसे, इनके नाम से ही समझ में आ जाता है हमें। जैसे फॉरवर्ड धारा क्या होगी, फॉरवर्ड धारा का मतलब क्या होता है कि डायोड में से जो करंट फ्लो होती है फॉरवर्ड बायस में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड धारा। तो धारा का वह अधिकतम मान जिसे ये डायोड जो है सुरक्षित रूप से बिना गर्म हुए, बिना हीट हुए, बिना जले, सुरक्षित रूप से, या बिना इसका बैरियर जंक्शन जो डिप्लेशन रीजन है, बिना इसका जंक्शन डिप्लेशन रीजन टूटे हुए जितनी अधिकतम करंट को यह फ्लो कर सकता है, उस अधिकतम करंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकतम औसत फॉरवर्ड धारा, ठीक है, अधिकतम औसत धारा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल परिभाषाएं हैं, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ एलेबोरेट करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब देखते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जो है वह क्या होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी परिभाषा 4 नंबर की है, ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप।
तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमने सर्किट में डायोड लगाया यहाँ पर, है ना, इसे मान लीजिए हम बैटरी से जोड़ दें, तो हमें पता है कि हर डिवाइस के अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप अवश्य होता है ना। हर डायोड में कुछ ना कुछ वोल्टेज का ड्रॉप अवश्य होता है। तो जितना ये डायोड जो है करंट को फ्लो करने में, ये डायोड के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए अगर दो डिवाइस यूज़ की हमने, चलिए मैं यहाँ पर आपको यूज़ करके तो बता देता हूँ। जैसे बैटरी के अक्रॉस हमने एक डायोड लगाया और यहाँ पर मान लीजिए एक लैंप लगा दिया। अब ये सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, तो यहाँ पर क्या होगा, सीरीज में आपको पता है कि इसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, कुछ वोल्टेज डायोड के अक्रॉस लग जाएगा और कुछ वोल्टेज जो है वो लैंप के अक्रॉस अपीयर होगा, और कुल मिलाकर के दोनों का वोल्टेज कितना होगा, 12 वोल्ट। तो मान लीजिए यहाँ क्या होता है, जो डायोड है ये 5 वोल्ट इसके अक्रॉस अपीयर हो रहा है, मतलब ये इतना ड्रॉप कर दे रहा है, तो जो लैंप है इसे कितना मिलेगा, अब लैंप को केवल यहाँ पर 7 वोल्ट ही मिलेगा, है ना। तो इस तरह से देखें आप कि यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो डायोड है इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 5 वोल्ट। देखिए ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मैंने आपको कल समझाने के लिए बताई है, लेकिन डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप इतना ज़्यादा होता नहीं है ना, इतना ज़्यादा इसका नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अगर इतनी ज़्यादा इसका वोल्टेज ड्रॉप होता तो ये हमारे कोई काम की नहीं रहती, है ना। तो आप लोग ध्यान रखें, केवल मैं समझाने के लिए जो है आपको मैंने ये एग्जांपल दिया है। तो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में करते हैं, तो उस स्थिति में डायोड में से जो ड्रॉप होता है ना, उस कंडीशन में इस डायोड में जो ड्रॉप उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अधिकतम फॉरवर्ड सर्ज धारा, अधिकतम फॉरवर्ड सर्ज धारा। ठीक है, इसे समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप ये एक हमने डायोड सर्किट बनाया है ना, जैसे मान लीजिए हमने डायोड बनाया यहाँ पर, है ना। अब इस डायोड में यहाँ मान लीजिए हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, और इसके आगे हम लोग यहाँ एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने एक स्विच लगा दिया। ठीक है, तब देखिए क्या होगा कि जैसे ही हम इस डायोड के अक्रॉस इस सर्किट को स्विच करते हैं, इस स्विच को एकदम से ऑन करते हैं, तो क्या होगा, इस डायोड में से एक करंट बहेगी, इनिशियली एक करंट एकदम से स्टार्ट होगी, है ना। तो इसी तरह से वह इनिशियल करंट है ना, या एकदम सर्ज जिसको बोलते हैं ना, एकदम से जैसे कोई लो लहर उठती है, तो जब एकदम से इसमें करंट फ्लो होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि केवल एक निश्चित मान पर ही जाएगी करंट, जो क्या होती है एकदम से पहले हाई वैल्यू पर जाती है, फिर धीरे से फिर नीचे भी जाएगी, ऐसा करके धीरे से इसमें जो है वह स्टेबल होती है। तो सर्ज धारा का मान क्या होता है कि वह अधिकतम धारा जिसे जो है जो अपनी स्टार्टिंग के दौरान, करंट के स्टार्टिंग फेज के दौरान या एकदम स्विचिंग के दौरान जो जो डायोड है वह इनिशियली एक निश्चित समय के लिए, मतलब बहुत कम या क्षणिक, इंस्टेंटेनियसली है ना, मतलब क्षणिक रूप से जितनी अधिकतम धारा को सहन कर सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सर्ज करेंट, है ना। और देखिए सर्ज करेंट का मान जो होता है वो फॉरवर्ड करेंट से ज़्यादा होता है ना, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई ये सर्किट है, ये डायोड जो है मान लीजिए ये 5 एम्पियर की करंट को लगातार बहने कर सकता है, इसमें से लगातार 5 एम्पियर की करंट सुरक्षित रूप से बह सकती है ना। तो जब 5 एम्पियर सुरक्षित रूप से लगातार बह सकती है, तो इसमें क्या होगा, 15 एम्पियर जो है लगभग इसमें सर्ज करंट रहेगी, क्योंकि इनिशियली क्या होगा कि जो करंट की मान को 15 एम्पियर की करंट को बहुत कम समय, 1-2 सेकंड तक के लिए सहन ये कर सकता है
ठीक है। तो यहाँ आप लोग ध्यान रखें कि जो सर्ज करंट है वो क्या होती है, वह स्टार्टिंग करंट होती है ना। स्टार्टिंग के समय या इसे ट्रांजिएंट के समय जितना अधिकतम करंट ये डायोड सहन कर सकता है, इनिशियली जितनी करंट को सहन कर सकता है कुछ सेकंड्स के लिए या एक निश्चित समय अंतराल के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इसमें अधिकतम सर्ज धारा कहते हैं, अधिकतम फॉरवर्ड सर्ज धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायोड को यदि आपको किसी सर्किट में यूज़ करना है तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें जब हमें पता होगी तभी हम जो है डायोड को इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आप धीरे धीरे जैसे अब आगे चल के आपको सर्किट भी बनाना सिखाएंगे, तो जैसे जैसे आप जो है खुद ही डाटा शीट को पढ़ेंगे तो ये सारी जो परिभाषाएं आपको याद करना नहीं पड़ेगी और अपने आप आपको ये याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा जो है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपको देखना है वह होता है अधिकतम संधि ताप, मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वह है मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर। ठीक है, मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर। तो देखिए क्या होता है, जैसे जो डायोड है यदि प्रत्येक कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो, जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो ये क्या होती है, हीट होती है, ये गर्म होती है, यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होती है ना। इसमें ऊष्मा मेनली कहाँ पर उत्पन्न हो रही है, जंक्शन पे, जो डायोडों के बीच में जो पीएन जंक्शन हमने बना रखा है, इस पीएन जंक्शन में यहाँ पर क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पर जब डायोड में जब पीएन जंक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आयन से टकराते हैं तो टकराने के कारण कोलाइजन होता है, और कोलाइजन के कारण क्या होती है, जो डायोड की गतिज ऊर्जा है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में, ऊष्मा में उत्पन्न कन्वर्ट हो जाती है ना। तो इस कारण से क्या होगा, इस डायोड में जो जंक्शन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है ना। तो किसी डायोड के लिए जो मैक्सिमम ताप वह सहन कर सकता है सुरक्षित रूप से, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर, मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर। ठीक है, जंक्शन टेम्परेचर, तो ये आप लोग याद रखें। ये हमें क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि यदि मान लीजिए आपको मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर पता ही नहीं होगा तो क्या होगा, हो सकता है कि आप जो सर्किट में डायोड को यूज़ कर रहे हैं वह सर्किट जो है गर्म होकर के जल जाए। ठीक है, और साथ में हो सकता है कि आपके डायोड के साथ और जो महंगी डिवाइसेस आपने लगाई हैं तो पता चले ये उनको भी ख़राब करते, तो इसीलिए हमें जो डायोड है उसका मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर भी पता होना आवश्यक होता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए अगली जो स्पेसिफिकेशन होती है किसी विशेष डायोड के लिए, वह होती है डायोड के निर्माता का कोड, है ना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो अलग अलग प्रकार के डायोड आते हैं है ना, तो उसका नंबर जो होता है ना, जो डायोड पर नंबर लिखा होता है वही उसका कोड कहलाता है। और जब आपको कोई डिवाइस बनानी है तो आजकल जो है डिवाइस के हिसाब से ही डायोड निश्चित के हो गए हैं, है ना। तो आपको जो है केवल नंबर याद होना चाहिए, तो आपको बाकी सारी स्पेसिफिकेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग जब भी रेक्टिफायर बनाते हैं तो वहाँ पर 1N4007, ठीक है, इस डायोड का हम लोग प्रयोग करते हैं, ये डायोड का नंबर है। इसी तरह से दूसरे नाम डायोड भी आते हैं DY126, ठीक है। तो जैसे ये 1N007 जो है, इसकी जो करंट होती है 1 एम्पियर तक करंट को सहन कर सकता है ना, इसके फॉरवर्ड करंट का मान 1 एम्पियर तक होता है। इसी तरह से और अधिक के लिए यदि आपको यूज़ करना है तो ये DY1216 यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी डाटा शीट आप इंटरनेट पर आसानी से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको, तो ये आप समझे, डाटा नंबर जो होता है केवल उस पर्टिकुलर डिवाइस को पहचानने के लिए होता है, एक तरह से उसका नंबर है। ठीक है, तो
एक तरह से ये मॉडल होते हैं। जैसे आप मोबाइल वगैरह खरीदने जाते हैं तो मोबाइल के अलग अलग नंबर दे दिए जाते हैं ताकि आपको पता रहे कि इसमें कैमरा कितने मेगापिक्सल का है ना, साथ ही साथ इसकी टच स्क्रीन जो है वह कितनी बड़ी है। तो ये सारे डाटा आपको पता करने की बजाय आप क्या करते हैं, केवल मोबाइल का नंबर दुकानदार को बता देते हैं और दुकानदार जो है वो आपको वहाँ मोबाइल दे देता है। तो इसी तरह से यदि आप डायोड ख़रीदने जाएंगे है ना, ये डायोड को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इतनी सारी चीज़ें जो हैं दुकानदार को बताने की बजाय कि इसका करंट इतना हो, ऐसा डायोड दे दो जिसका टेम्परेचर इतना हो, जिसमें फॉरवर्ड करंट इतना हो, इसके बजाय आप सीधे दुकानदार से बोलेंगे कि हमें 1N4007 नंबर का डायोड दे दीजिए, ठीक है, तो वो आपको आसानी से ये डायोड जो है दे सकता है। तो ये होता है डायोड के नंबर या कोड, ठीक है, निर्माताओं के कोड। चलिए अब मैं आपको एक डाटा शीट दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ताकि आपको जो है थोड़ा आइडिया लग जाए कि हम डाटा शीट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक डाटा शीट हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये एक डाटा शीट है ना, ये एक डाटा शीट है यहाँ पर। अब देखिए ये डाटा शीट कितने डायोड के लिए है, ये 1N4001 से लेकर के 1N4007 तक के जितने भी डायोड हैं उनके लिए, सबके लिए जो है ये डाटा शीट जो है उनके कामन है, ठीक है। तो देखिए इनका फीचर्स आप यहाँ से डाटा शीट से पढ़ सकते हैं कि इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है ना, इसका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब ये बहुत कम वोल्टेज जो है फॉरवर्ड कंडीशन में ड्रॉप करेगा। साथ ही साथ इसकी जो सर्ज करंट कैपेसिटी है वो बहुत हाई है, मतलब इनिशियली इसमें जो करंट हाई करंट को ये इनिशियली सहन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद की जो करंट है वो एक लंबे समय तक, यदि हम बात करें तो लंबे समय तक जो करंट फ्लो होगी वो फॉरवर्ड करंट। तो अभी आगे हम देखेंगे कि फॉरवर्ड करंट कितनी है इसकी, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें बताई हुई है, जैसे जैसे इसमें देखिए आप यहाँ पर जैसे इसका बताया गया है पीक रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज है ना, इसको ये वही चीज़ है पी, इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं PIV, ठीक है, ये PIV ही है, इसका अलग अलग नाम होते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर आपको विभिन्न अलग अलग जो कैपेसिटी जो डायोड हैं उनके PIV की वैल्यू यहाँ पर दिखाई गई है। यूनिट यहाँ पर लिखी होती है कि इसकी यूनिट कितनी होती है, यूनिट वोल्टेज में है। इसी तरह से देखें आप लोग इसका फॉरवर्ड करंट कितना बताया हुआ है, ये फॉरवर्ड करंट इसका होता है 1 एम्पियर। ये चाहे डायोड जो 4001 यूज़ करें या 4007 दोनों का, मतलब जितने भी इनके बीच में जो डायोड्स हैं सात, इन सातों डायोड का जो एवरेज करंट है, जो फॉरवर्ड करंट है वो कितना होता है 1 एम्पियर, ठीक है। 1 एम्पियर तक के फॉरवर्ड करंट पर ये सुरक्षात्मक रूप से काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोग इसका ये सर्ज करंट कितनी होती है 30 एम्पियर तक। अब देखें फॉरवर्ड करंट कितनी थी, 1 एम्पियर थी, लेकिन सर्ज करंट रियल में कितनी है 30 एम्पियर है ना, मतलब ये 30 एम्पियर की जो करंट है ना इसको कितनी देर तक सहन कर सकता है, ये 8.3 मिली सेकेंड तक। जो हाफ वेव है ना, सिंगल हाफ वेव, हाँ साइन वेव, उसमें 0.83 मिली सेकंड तक आप 30 एम्पियर करंट लगा सकते हो। तो देखिए आप कितने कम समय के लिए हम लोग इस करंट को लगा रहे हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं सर्ज करंट,
एक सर्ज की तरह, एक लहर की तरह इसमें एक करंट को लगाया जाता है। ये केवल एक स्टार्टिंग की जानकारी के लिए है कि जब हम डायोड को एकदम से यदि स्टार्ट करें या कभी एकदम बीच में मान लीजिए इसमें कोई ट्रांजिएंट आ जाती है तो ट्रांजिएंट के कारण कितनी करंट को ये सहन कर सकता है। ठीक है, ये लगातार सहन करने वाली करंट नहीं होती है। जो लगातार जो करंट फ्लो होती है वो क्या कहलाती है, वह कहलाती है फॉरवर्ड करेंट, और इसका मान कितना होता है 1 एम्पियर। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए आप इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर देखिए अलग अलग इन्होंने बताया है कि जो स्टोरेज टेम्परेचर रेंज है वह कितनी है इसकी, स्टोरेज टेम्परेचर रेंज और ऑपरेटिंग जंक्शन टेम्परेचर, मतलब स्टोरेज टेम्परेचर रेंज जो है इसकी कितनी है, वो -52 175 डिग्री 175 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरह से इसका ऑपरेटिंग जंक्शन टेम्परेचर कितना है, -55 to 175 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये जो टेम्परेचर है, आप इतने टेम्परेचर पे, ये जो जंक्शन टेम्परेचर है, इस जंक्शन टेम्परेचर पे डायोड को -55 to 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यदि आप ये जो आपका डायोड है रेक्टिफायर, इसको यदि रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी आप ये काम कर लेगा। इसी के अलावा यदि आप केवल डायोड की बात करें, बायर्स मत लगाना पीवीसी वगैरह है ना, तो यदि केवल यदि हम ये डायोड को यदि आप इसे गैस चूल्हे पर भी रख देंगे 175 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब भी ये काम कर लेगा। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा करके नहीं देखना है ना, ये केवल मैंने आपको थोड़ा मनोरंजन के हिसाब से बता दिया था। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान दें। ये स्टोरेज टेम्परेचर रेंज जो है, स्टोरेज टेम्परेचर रेंज जो है, ये आप जो इस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, जो हमसे संबंधित चीज़ नहीं है उसको ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, जब हम पर्टिकुलर जो सर्किट बनाते हैं तो उसके अनुसार हमें जो है इसमें से डाटा देखना होता है। जैसे यहाँ पर पावर डिसिपेशन जो है, तो इसके कितने पावर का होता है, ये 3 वाट तक का होता है डायोड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसमें ध्यान रखिए। फिर डाटा तो इसमें बहुत सारा, काफ़ी सारा डाटा दिया होता है इसमें डाटा शीट में। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, मैक्सिमम फुल रिवर्स वो करेंट, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आप ये यहाँ पर कैपेसिटेंस वगैरह भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में कुछ जो है ये विद्युत को स्टोर भी कर सकता है डायोड। तो यहाँ पर देखिए इसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका कैपेसिटेंस है जो है वो ये 15 पिको फेराडे है। ठीक है, तो आप चाहें तो यदि आपको 15 पिको फेराडे का कैपेसिटर नहीं मिल रहा है मान लीजिए, तो आप ये जो डायोड है उसको 15 पिको फेराडे कैपेसिटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कैपेसिटेंस जो है देखिए फ्रिक्वेंसी के अनुसार बदलता है, तो इसका मेजरमेंट इन्होंने कितने पे किया है, 4 वोल्ट और 1 MHz फ्रिक्वेंसी पर यदि आप मेजरमेंट करेंगे इसका कैपेसिटेंस, तो वह कितना आएगा पिको फेराडे में, वह 15 पिको फेराडे आएगा। इसी तरह से देखिए जो करंट भी होती है ना, तो करंट भी टेम्परेचर के हिसाब से हमें पता है रेजिस्टिविटी चेंज होती है मटेरियल की। तो यहाँ देखिए इन्होंने टेम्परेचर रेंज में बताया है कि जब हम इसका करंट मेज़र करते हैं है ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यदि आप इसका रिवर्स करंट मेज़र करोगे तो वह कितना आएगा 5 माइक्रो एम्पियर। इसी तरह से यदि आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका रिवर्स करंट मेज़र करेंगे तो वह कितना आएगा 500 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मुझे नहीं लगा कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी जानने के लिए, इसलिए मैंने आपको बता दी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, कल अब हम देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार के डायोड होते हैं कि जैसे एलईडी और वैरेक्टर डायोड, जीनर डायोड इत्यादि के बारे में हम कल जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, कल मिलते हैं फिर 9 PM पे।